दिल्ली में नीतीश की मुलाकात का दौर चल रहा है तो महाराष्ट्र में शरद पवार से मिलने उद्धव ठाकरे पहुंचे। वजह साफ है, महाविकास अघाड़ी में आई दरार को भरने की कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में एक बार फिर शरद पवार का खेल बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तक जो महाविकास अघाड़ी 2024 में एक साथ चुनाव लड़ने का मन बना रही थी, वहां शरद पवार की चालों ने पूरी विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल 2024 का है, बात महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट की है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है वो महाराष्ट्र के सियासी गलियों में सवालों के घेरे में है। शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी का रुख महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ा रहा है। संसद के पूरे सत्र में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने अडानी पर जेपीसी मांग को लेकर हंगामा किया, लेकिन शरद पवार जेपीसी मांग पर सवाल खड़े कर देते हैं। राहुल गांधी सावरकर को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरद पवार कांग्रेस को सावरकर पर बयान देने से बचने की सलाह देते हैं। विपक्ष बीजेपी की जीत के बाद ईवीएम मशीन को लेकर सरकार को घेरता है, तो अजित पवार ने ईवीएम में गड़बड़ी की बातों को बेवजह बता दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की जीत को मोदी का करिश्मा कहते हैं वो। अब सवाल ये है कि आखिर देश की मौजूदा सियासत के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक शरद पवार कौन सी सियासी चाल चल रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट का गठबंधन है। ऐसे में मुद्दों को लेकर आ रहे विरोधाभास को लेकर बैठक बुलाने की बात हो रही है। आज महाविकास आघाडी मध्ये जे पक्ष आहेत त्या सगळ्यांनी एका विचाराने काम करावं अशा प्रकारची आमची चर्चा झाली, आणि त्यानुसार काही कार्यक्रम आखलेत, त्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं ही धोरण आमची ठरली। अब तक उम्मीद लगाई जा रही थी कि महाविकास अघाड़ी 2024 के चुनाव में एक साथ नजर आएगी, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है, लेकिन लगातार बदलते सियासी समीकरण में खुद कांग्रेस अब एनसीपी की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है, जिसके पास एनसीपी के खिलाफ बैठक के लिए मुद्दे तैयार है। कल बॉडीज इलेक्शन हो, उसमें भी कई जगह एनसीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया है। अभी कोऑपरेटिव के इलेक्शन चल रहे एपीएमसी के, उसमें भी बीजेपी के साथ एनसीपी अलायंस कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है, और इसके बाद में उन्हें उसकी दखल लेना चाहिए, क्योंकि स्थानिक लेवल पे अगर हम बीजेपी के साथ अगर अलायंस करते हैं तो जो बड़ी लड़ाई लड़ना है तो उसमें कार्यकर्ता कमजोर होता है। इस बीच अजित पवार ने भी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। हालांकि अजीत पवार का कहना था कि ये मुलाकात किसानों के मुद्दे को लेकर थी, लेकिन जब अजीत पवार से बीजेपी के करीब जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सारी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। शुभचिंतक अंजलि दमनिया ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है, 17 विधायकों की जो विधायकी है वो डिस्क्वालीफाई होगी और उसके बाद अजीत पवार बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, सारा गलत न्यूज है। शरद पवार जी को समझना बहुत मुश्किल है, उन्होंने गुड़ी गुड़ी किया कि हम जेपीसी के लिए मान जाते हैं ऑपोजिशन का, मगर ये सब मगरमच्छ की बातें हैं। शरद पवार जी ने मन बना लिया है मुझे ऐसे लगता है, और ये बिल्कुल युति, ये देखो अगले 2-3 महीने में युति रहने वाली नहीं है। सवाल सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस का ही नहीं है, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के सीएम का पद छोड़ने को लेकर भी चुप्पी तोड़ी। पवार का कहना था कि इस्तीफा देने से पहले उद्धव ने उनसे सलाह नहीं ली, जिसके बाद उद्धव ठाकरे पवार से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन उद्धव के पवार के घर जाने पर विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के वक्त बड़े बड़े सियासतदान मातोश्री आते थे, वहां से आज उद्धव को पवार के घर जाना पड़ा। नहीं जाना चाहिए, तो क्या आपकी तरह जो शिवसेना के घोर विरोधी है, जिसने शिवसेना को तोड़ा है, उसके दरबार में जाकर घुटने टेकना है क्या? पवार साहब इस राज्य के और इस देश के वरिष्ठ नेता है, ये आप कौन तय करेंगे किसके पास ये डर है इनके मन में? ये जो शिंदे मिंदे जो आप नाम ले रहे हो ना, उनके मन में एक डर है, ये एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आने के बाद हमको घर में बैठना पड़ेगा। महाविकास अघाड़ी में बयानों पर मची खींचतान में एक मुद्दा सावरकर का भी है। राहुल गांधी लगातार सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं, तो वहीं एनसीपी और शिवसेना दोनों सावरकर के खिलाफ बोलने से बचते हैं।
ये बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी सावरकर के मुद्दे पर हटने वाली नहीं है। ऐसे में जो आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ मीटिंग हुई तो उसे सफल नहीं कहा जा सकता सर, सफल हो जाएगी। सावरकर के मुद्दे पर आपने बड़े जोर से राहुल गांधी को धमकाया मगर वापस कांग्रेस के साथ। अब शरद पवार जी कह रहे हैं डिग्री का कोई मतलब नहीं है, ये तो ये सारी बातें होनी है। बहरहाल महाराष्ट्र के सियासत में सब कुछ सीधा नजर नहीं आ रहा। पहले शिवसेना टूटी, अब महाविकास अघाड़ी में मतभेद विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय, देवेश और ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको दिखाते हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जो जलते कोयले पर दौड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें ओडिशा के पुरी की हैं। पात्रा करीब 10 मीटर तक जलते हुए कोयले पर चलते रहे। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि आज मैंने पुरी जिले के समांग पंचायत के रेवती रमण गांव में तीर्थ यात्रा में भाग लिया, आग पर चलकर माता का पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। जलते अंगारों पर दौड़ते हुए संबित पात्रा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओडिशा के पुरी की हैं। गांव वाले वहां पर मौजूद थे और फिर ये तस्वीरें खुद उनकी ओर से ट्वीट की गई हैं।